नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स जो है उसका लैब 3 ब्राउजर्स और सर्च इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखिए ब्राउजर क्या होता है ये देखेंगे, ब्राउजर किस पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, कौन कौन से ब्राउजर हमारे पास अवेलेबल है और ब्राउजर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर हम सर्च इंजन के बारे में देखेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है और कौन कौन से सर्च इंजन अवेलेबल हैं और सर्च इंजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से सर्च इंजन वर्क करता है। फिर हम सर्च क्वेरीज के बारे में बात करेंगे कि सर्च क्वेरीज क्या होती हैं जो सर्च इंजन में हम लिख सकते हैं, कुछ भी अगर हमें जैसे सर्च करना होता है तो किन किन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सर्च क्वेरीज में देखेंगे। देखिए ये जो लैब है बेसिकली ये लैब हमारी इंटरनेट को कैसे यूज करें उसके ऊपर है, ठीक है। तो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उन इंटरनेट की सर्विसेज को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं और केवल यूज करना ही नहीं किस तरीके से मोर एफिशिएंटली हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी हमें सर्च करना है तो एक होता है रैंडम सर्च करना, एक होता है इस तरीके से सर्च करना कि हमें एग्जैक्टली जो चाहिए वो हमारे सवालों का जवाब मिल जाए, ठीक है। तो इसी कड़ी में हम ब्राउजर सबसे पहले देखते हैं कि ब्राउजर क्या होता है और किस तरीके से ब्राउजर वर्क करता है। तो ब्राउजर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, ब्राउजर जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। किस पर्पस के लिए? एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट और द www। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम आम भाषा में इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का जो तरीका है या उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ब्राउजर, ठीक है। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। When a user request a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then displays the page on the user's device. अब देखिए इसमें कई सारी चीजें, कई सारे टर्म आ गए एक साथ। When a user request a web page का मतलब क्या है? वेब पेज का मतलब है किसी भी वेबसाइट का एक कोई पेज, जैसे कि आपने लिखा www.studycorner.org या www.youtube.com या www.google.com। तो ये क्या है? ये एक वेब पेज है, ठीक है, जो हमें हमारे आप लोग इंटरनेट का प्रयोग तो लगभग सभी ने किया होगा, तो जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट, जो हम कोई भी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं ब्राउजर में और जो पेज खुलता है वो एक आपका वेब पेज है, ठीक है। सो जब भी कोई यूजर एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो वेब ब्राउजर जो है वो क्या करेगा? वेब ब्राउजर वेब सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर जहां पर वो वेबसाइट का पेज रखा हुआ हो। वेब सर्वर का मतलब होता है एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा सिस्टम जिस पे वो सारा कंटेंट रखा हो जहां से हमें उस वेबसाइट का वो पेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की बात करें या गूगल की बात करें, तो गूगल हमने केवल लिखा www.google.com और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद गूगल का पेज हमारे सामने खुल के आ गया, तो वो पेज कहां से आया?
कहीं ना कहीं वो रखा हुआ है, किसी ना किसी सिस्टम पे वो रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, जहां से हमें वो मिल रहा है। तो वो सिस्टम जिस पे वो वेब पेज रखा हुआ है, जहां से हमें मिल रहा है, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। किसके लिए? उस गूगल वाले पेज के लिए। तो वेब सर्वर हर वेबसाइट का अलग अलग होता है, क्योंकि हो सकता है किसी ने अपना जो वेबसाइट के पेजेज जो हैं वो किसी एक कंप्यूटर पे रख रखे हैं, किसी दूसरे ने अपने कंप्यूटर पे रख रखे हैं, क्योंकि वेबसाइट अलग अलग लोगों की है। जब वेबसाइट अलग अलग लोगों की है तो वो अपने अपना कंप्यूटर भी अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट का वेब पेज एक, वेब सर्वर एक हो। वेब सर्वर वो, इतना समझिए कि वेब सर्वर किसी वेबसाइट का वो कंप्यूटर होता है जहां पर आपका वेबसाइट के पेजेस रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउजर का काम क्या है? जब भी कोई यूजर किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करेगा, किसी भी वेब पेज की रिक्वेस्ट करेगा, तो वेब ब्राउजर उस वेबसाइट के वेब सर्वर के पास जाएगा और उस वेब सर्वर से जो पेज यूजर ने रिक्वेस्ट किया है वो लाके यूजर के वेब ब्राउजर में डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये आपका ओवरऑल काम होता है वेब ब्राउजर का। तो कोई अगर आपसे पूछे कि वेब ब्राउजर का क्या काम होता है या वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका मुख्य कार्य इंटरनेट या WWW वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन या जानकारी प्रदान करना होता है, जिसके द्वारा हम इंटरनेट या WWW वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी एक्सेस करते हैं, ठीक है। ए वेब ब्राउजर इज नॉट द सेम थिंग एज ए सर्च इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ए वेब ब्राउजर इज नॉट सेम थिंग एज वेब सर्च इंजन, ठीक है। ये दोनों टर्म जो हैं वो बहुत अलग अलग है। एक वेब ब्राउजर अलग होता है, अलग चीज होती है, और सर्च इंजन अलग चीज होती है। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमें किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की सहायता प्रदान करता है, या फैसिलिटी प्रदान करता है, या सुविधा प्रदान करता है। यानी वेब ब्राउजर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? वेब ब्राउजर का प्रयोग करके हम किसी भी वेबसाइट के पेज को देख सकते हैं। और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन अलग चीज होती है, नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीके का इंजन है जो कि सर्च करेगा क्या, किसी भी कंटेंट को। जैसे कि मैं गूगल की बात करूं तो www.google.com जो है वो क्या है? वेबसाइट है। और उसके पीछे बैकएंड में कहीं ना कहीं क्या रखा हुआ है? सर्च इंजन। तो मैंने एक फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया, अब ये क्या चीज आ गई? मैंने तीन नाम लिए, ये ब्राउजर्स के नाम है, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ ये यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक ही चीज नहीं है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करते हैं, और सर्च इंजन एक वो सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर द्वारा इनपुट किए गए किसी भी टेक्स्ट या इमेज को सर्च करके प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सर्च इंजन का काम केवल इतना है कि उसे जो भी टेक्स्ट इनपुट दिया गया वो उस टेक्स्ट को अपने पास अवेलेबल जितने भी रिसोर्स, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उन सब में उस टेक्स्ट को ढूंढ कर उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ए सर्च इंजन इज जस्ट ए वेबसाइट, सर्च इंजन इज जस्ट ए वेबसाइट टू स्टोर सर्चेबल डेटा अबाउट अदर वेबसाइट्स।
However, to connect to a website server and display its web pages, a user must have a web browser installed. ठीक है, तो एक सर्च इंजन जो होता है वो एक वेबसाइट होती है जो कि सर्चेबल डेटा को स्टोर करके रखती है. किन के सर्चेबल डेटा को? अन्य दूसरी वेबसाइट्स के डेटा को जो कि सर्च किए जा सके, उन डेटा को स्टोर करके रखती है. ये बात आपके समझ में आ गई. जैसे गूगल है, google.com एक सर्च इंजन है लेकिन वो एक वेबसाइट है. तो अब उस वेबसाइट या सर्च इंजन का प्रयोग आप कब कर पाओगे? जब आपके पास कोई एक वेब ब्राउजर हो. जब तक आपके पास वेब ब्राउजर नहीं होगा, क्या आप google.com खोल पाओगे, ओपन कर पाओगे या उसमें सर्च कर पाओगे कुछ भी? नहीं. तो सर्च इंजन का काम आपका तभी शुरू होता है जब आपके पास एक वेब ब्राउजर हो. दैट मींस ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. वेब ब्राउजर एक अलग एप्लीकेशन है और सर्च इंजन जैसे कि google.com वो एक अलग चीज है. ठीक है, तो यहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाना है कि सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होता है. वेब ब्राउजर एक वो सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं, और सर्च इंजन वो वेबसाइट है. ये एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट है जो कि अन्य वेबसाइट के डेटा को सर्च करके आपको प्रोवाइड करवाती है आपके द्वारा चाही गई जानकारी. ठीक है, तो द फर्स्ट वेब ब्राउजर जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं आजकल, वर्ल्ड वाइड वेब, वॉज क्रिएटेड इन 1990 बाय सर टिम बर्नर्ड ली. तो ये एक कंप्यूटर जगत में, इंटरनेट जगत में एक महान हस्ती हुए थे और इन्होंने 1990 में पहला जो वेब ब्राउजर है जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंटरनेट जगत को प्रदान किया. ठीक है, द पर्पस ऑफ ए वेब ब्राउजर इज टू फेच इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फ्रॉम द वेब एंड डिस्प्ले देम ऑन ए यूजर्स डिवाइस. तो जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? उस सॉफ्टवेयर का पर्पस है कि वेब या इंटरनेट से यूजर द्वारा मांगी गई या चाही गई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके, इंफॉर्मेशन को लाकर सर्च करके यूजर की डिवाइस पे डिस्प्ले करना. ठीक है, यूजर डिवाइस क्या हो सकती है? लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है. तो वेब ब्राउजर के बारे में अभी हमने देखा कि वेब ब्राउजर क्या होता है. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस हमें वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट से जानकारी उपलब्ध करवाना और उसे डिस्प्ले करवाना होता है. ठीक है, जो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं वो आपके गूगल क्रोम है, एक तो आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम गूगल कंपनी द्वारा प्रोवाइड बनाया गया है, और ये आपका नीचे टॉप में बॉटम में आप देखेंगे तो ये आपका गूगल क्रोम का आइकन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये आप नीचे इधर देख लीजिए, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और सफारी, सफारी आपका एप्पल के द्वारा बनाया गया है, एप्पल कंपनी जो है एप्पल, ये आपका सफारी नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके का लोगो होता है सफारी का. फायरफॉक्स, फायरफॉक्स आपका ये बॉटम में आप देख लीजिए, इस तरीके का ये फायरफॉक्स का आइकन होता है. ओपेरा, ओपेरा में आप ये रेड कलर का एक ओ लिखा रहता है, ये आप ओपेरा देख सकते हैं. फ्लॉक, फ्लॉक आपका कुछ कुछ इस तरीके का होता है इसका आइकन. तो ये सब क्या है? ये नॉर्मली यूज में या मोस्टली यूज में लिए जाने वाले वेब ब्राउजर्स हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर्च इंजन्स की. तो सर्च इंजन की जो है हम चर्चा करेंगे अपने अगले सेशन में,
आराम से। तो आज के लिए बस इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।